बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके नाम का पहला हर्फ बी हो उनकी शख्सियत और मिजाज ये होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बी से शुरू होने वाले नामों की शख्सियत बताने से पहले हम मुख्तसर बताते चले कि इस चैनल पर हम मुख्तलिफ रूहानी मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ, दुआ और तावीज़ात की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई भी रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो हमारे चैनल ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूहानी मसाइल के हल की नई और पुरानी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। या किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल के हल के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता कायम करें। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो नाज़रीन, आज के इस दौर में हमारे मुआशरे में मौजूद ऐसे अफराद जिनका नाम बी लेटर से शुरू होता है वो दोहरे मिजाज के मालिक होते हैं। मौके की मुनासबत से ये अफराद अपने मिजाज का दुरुस्त इस्तेमाल करने में बड़े माहिर होते हैं। जैसा कि अपने करीबी रिश्तों के साथ तो हर दर्जा मुखलिस होते हैं और उनके साथ नरमी का बर्ताव रखते हैं, इसके बरक्स ये अजनबी लोगों के सामने अपनायत, चाहत, शीरी अंदाज और खुलूस का मुजाहिरा करने की एक्टिंग इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि सामने वाले शख्स को शीशे में उतार ही लेते हैं। बी नाम वाले अफराद की शख्सियत का एक पहलू देखा जाए तो ये बेहद ज़हीन, अकलमंद और हद दर्जा मुखलिस होते हैं। जैसा कि बाज़ बी नाम वाले अफराद अपनी जहानत, ईमानदारी, खुलूस और अकलमंदी का मुजाहिरा करके दूसरों के दिल में अपने लिए मोहब्बत के एहसास उजागर करने की पूरी पूरी सलाहियत रखते हैं, जबकि इनकी शख्सियत का दूसरा रुख कदरे उलट होता है। जैसा कि बी नाम वाले अक्सर अफराद अपनी खूबियों का इस्तेमाल अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करते हैं जिससे बाज़ोकात दूसरों का नुकसान भी हो जाता है। बी नाम वाले ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं जो अपनी ज़ाती परेशानियों और उलझनों को दिल में दबा कर हतुलबसा चेहरे पर इत्मीनान और मुस्कान जमाए रखते हैं, जिससे सामने वाले शख्स पर इनकी खुश मिजाजी का बहुत ज़बरदस्त तासुर पड़ता है। और यही वजह है कि पी नाम वाले अफराद में लोगों को मकनातीसी कशिश महसूस होती है। इनकी इसी खूबी की बिना पर लोग अपने दिल की बातें भी इनसे शेयर करना पसंद करते हैं। जबकि पी नाम वाले अफराद हर किसी को अपना राजदार नहीं बनाते बल्कि गिने चुने अफराद जिन पर इन्हें हर लिहाज से एतबार हो ये अपनी ज़ाती उलझने उन्हीं से शेयर करते हैं, मगर इनकी यही सादगी बाज़ोकात इन्हें ले डूबती है और इनके अक्सर राजदान इन्हीं के खिलाफ होकर इनके लिए परेशानी की राहें हमवार कर देते हैं। बी नाम वाले अफराद प्यार, मोहब्बत, रिश्तों और दोस्ती के मामलात में असूलों को बहुत मानते हैं, यानी एक बार जो दिल से उतर जाए तो उसे दोबारा दिल में जगह नहीं देते, लेकिन अगर मजबूरन इन्हें कोई भी रिश्ता फिर से जोड़ना पड़ जाए तो फिर उस रिश्ते को निभाने की सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं और उस रिश्ते से जुड़ी तवक्कोआत को भी महदूद कर लेते हैं। बी नाम वाले अफराद अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और इनकी मेहनत, लगन और साफ दिली के बायस इन्हें ज़िंदगी में यकदम कामयाबियों के बहुत से मौके मिलते हैं, लेकिन अक्सर इन्हीं के इर्द गिर्द के लोग इनके खिलाफ साजिशों का ऐसा जाल बिछा देते हैं कि कामयाबी के बहुत करीब होने के बावजूद ये अपनी सोचों के मुताबिक अपने टारगेट में कामयाबी का वो मुकाम नहीं पा सकते जिसके ये सही मायनों में हकदार हों। बी नाम वाले अफराद जल्दी किसी से मोहब्बत नहीं करते और अगर मोहब्बत की दुनिया में कदम रख दें तो फिर हरगिज पीछे नहीं हटते और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं। बाज़ बी नाम वाले वो अफराद जो अपनी खूबियों का उलट इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए कदरे लालची भी हो जाते हैं और दूसरों से अपने ज़ाती मकासद निकलवाने के लिए उनकी हद से ज़्यादा खुशामद करने से बिल्कुल नहीं कतराते, जबकि इनकी इस चलाकी को लोग अपनायत का नाम देते हैं। हम आपको बताते चलें कि बी नाम वाले ज़्यादातर अफराद हर लिहाज से आइडियल और मुखलिस होते हैं और दूसरों के लिए बायस खुशी साबित होते हैं, जिस वजह से ये हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था बी की शख्सियत के बारे में मुख्तसर सा अंदाज़ा। इल्मे गैब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हमने आपको जो मुख्तसर सी खूबियाँ और खामियाँ बयान की हैं वो हमारे मुशाहदे का हिस्सा और एक कैफा यानी अंदाज़ा है, और अंदाज़ा ज़रूरी नहीं कि 100% दुरुस्त हो और ये भी नहीं कि 100% ही गलत हो,
नाज़रीन, हमारा मुशाहिदा आपकी शख्सियत के मुताबिक कितने परसेंट दुरुस्त है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।